नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अपने इस खास शो संदीप का समीकरण में आज हम आपको बताएंगे बदायूं जिले के साथ उसके 6 विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण के बारे में। 11वीं सदी के एक अभिलेख में इस नगर का तत्कालीन नाम वोदा मयूता बताया गया है। इस अभिलेख के मुताबिक उस समय बदायूं तब पंचाल देश की राजधानी थी। बदायूं जिला रुहेलखंड क्षेत्र में आता है। बदायूं के स्मारकों में जामा मस्जिद भारत की मध्य युगीन इमारतों में शामिल है, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। इसका निर्माता इल्तुतमिश था। अलाउद्दीन ने अपने जीवन के अंतिम साल बदायूं में ही बिताए थे। अकबर के दरबार का इतिहास लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी यहाँ कई साल तक रहे थे। बदायूनी का मकबरा बदायूं का प्रसिद्ध स्मारक है। इसके अतिरिक्त इमादुल मुल्क की दरगाह भी यहाँ की प्राचीन इमारतों में शामिल है। जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते जिले की 5 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। वहीं मात्र एक सहसवान विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने एक बार पुनः जिले की 4 विधानसभा सीटों पर वर्तमान विधायकों को अपना उम्मीदवार बनाया है और अन्य 2 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। बदायूं जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें सहसवा, शेखुपुर, बिसौली, बिलसी, दातागंज और बदायूं सदर शामिल है। यह जिला समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। हालांकि साल 2017 में सपा को यहां खास सफलता नहीं मिली थी और उसकी कई महत्वपूर्ण सीटों पर बीजेपी ने सेंधमारी कर दी थी। बात करें सहसवान विधानसभा सीट की तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। इस सीट पर सपा की ताकत या यू कहे कि जीत का समीकरण इसी से समझिए कि 2017 के चुनाव में मोदी लहर के बावजूद भाजपा जीत नहीं पाई बल्कि 4थे नंबर पर चली गई। सपा के ओमकार सिंह यादव ने बसपा के अरशद अली को 4,269 मतों से हरा दिया था। सहसवान विधानसभा क्षेत्र बदायूं जिले का एक हिस्सा है और इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 1957 में हुआ था। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी उल्फत सिंह ने कांग्रेस के मुश्ताक अली को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से ही यह मुलायम परिवार का गढ़ रहा है। मुलायम सिंह यादव भी इस सीट से 1996 में चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि एक साल बाद उन्होंने सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद हुए उपचुनाव में सपा के ही ओमकार सिंह विजय हुए। सहसवान से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने डीके भरद्वाज को टिकट दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने ब्रिजेश यादव को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने हाजी विंटन मुसरत को प्रत्याशी बनाया है और पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने अनिल कुमार मिश्र को टिकट दिया है। राष्ट्रीय परिवर्तन दल ने यहां से कुणाल यादव को उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि कुणाल यादव पूर्व विधायक और बाहुबली नेता डीपी यादव के पुत्र हैं। हालांकि पहले उन्होंने स्वयं यहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन बाद में बेटे कुणाल यादव को टिकट दे दिया। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां समाजवादी पार्टी के ओमकार सिंह 4,269 मतों से विजय रहे थे। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के अरशद अली और तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय परिवर्तन दल के उमलेश यादव रहे और तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय परिवर्तन दल के उमलेश यादव रहे। साल 2012 में भी समाजवादी पार्टी के ओमकार सिंह यहां से चुनाव जीते थे। साल 2007 में राष्ट्रीय परिवर्तन दल के बाहुबली नेता डीपी यादव यहां से चुनाव जीते थे, जबकि 2002 में सपा के ओमकार सिंह और 1996 में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने सहसवान विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। 2017 में सहसवान में कुल 32.20% वोट पड़े। 2022 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो डीके भरद्वाज बीजेपी से, ब्रिजेश यादव एसपी से और हाजी विंटन मुसरत बीएसपी से मैदान में हैं। अब बात करते हैं बिसौली विधानसभा सीट की। उत्तर प्रदेश में कुछ विधानसभा सीटों को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी ने सपा के इस दीवार को तोड़ दिया। ऐसी ही एक सीट बिसौली विधानसभा। बड़ी बात यह है कि 2017 में सपा यहां तीसरे नंबर पर चली गई थी। इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 1957 में हुआ था। इस सीट पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है। 2017 के पहले इस सीट पर 3 बार सपा का कब्जा रहा है। वहीं 2017 में बीजेपी के कुशाग्र सागर ने 1,287 वोट हासिल कर सपा के आशुतोष मोड़े को 10,688 वोट से परास्त कर दिया था।
बिसोली सीट से भाजपा ने अंतिम बार 1993 में जीत प्राप्त की थी। भाजपा के दया सिंधु संखधार ने कांग्रेस के योगेंद्र कुमार को हराया था। बिसोली विधानसभा क्षेत्र में करीब 4 लाख मतदाता हैं। यह सीट अनुसूचित जाति और जनजाति बाहुल्य सीट मानी जाती है। इस सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम, यादव, मौर्य और ब्राह्मण मतदाता भी चुनाव परिणाम को निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहाँ वैश्य, पाल, कश्यप, पासी मतदाता भी अच्छी तादाद में हैं। राजनीतिक इतिहास की बात करें तो वर्ष 1957 में शिवराज सिंह और केशोराम कांग्रेस से जीते थे। बता दें कि 1957 में निर्वाचन क्षेत्र में 2 सीटें थी। वर्ष 1962 की बात करें तो शिवराज सिंह कांग्रेस से जीते थे। वर्ष 1967 की बात करें तो एस सिंह बीजेएस से जीते थे। वर्ष 1969 की बात करें तो शिवराज सिंह बीकेडी से जीते थे। वर्ष 1974 की बात करें तो कृष्णवीर सिंह बीकेडी से जीते थे। वर्ष 1977 की बात करें तो ब्रिज बल्लव निर्दलीय जीते थे। वर्ष 1980 की बात करें तो फिर से ब्रिज बल्लव कांग्रेस से जीते थे। वर्ष 1981 की बात करें तो कृष्णवीर सिंह कांग्रेस से जीते थे। वहीं वर्ष 1985 में योगेंद्र कुमार निर्दलीय से जीते थे। वर्ष 1979 में योगेंद्र कुमार कांग्रेस से जीते थे। वर्ष 1991 में कृष्णवीर सिंह जनता दल से जीते थे। वर्ष 1993 में दया सिंधु संखधर बीजेपी से जीते थे। वर्ष 1996 में योगेंद्र कुमार सपा से जीते थे। वर्ष 2002 में योगेंद्र कुमार सपा से फिर जीते। वर्ष 2007 में उमेश यादव आरपीडी से जीते थे। वर्ष 2012 में आशुतोष मौर्य सपा से जीते। उसके बाद वर्ष 2017 में कुशाग्र सागर बीजेपी से जीते थे। 2017 में बिसोली में कुल 43.79% वोट पड़े। 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो प्रज्ञा यशोदा कांग्रेस से, कुशाग्र सागर बीजेपी से, आशुतोष मौर्य एसपी से और जयपाल सिंह बीएसपी से मैदान में रहेंगे। अब बात करते हैं बिलसी विधानसभा सीट की। 1967 में परिसीमन आदेश पारित होने के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 1974 में हुआ था। इस चुनाव में भारतीय जनसंघ के सोहन लाल ने कांग्रेस के केशव राम को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद हुए चुनाव में ज्यादातर बार बसपा ने जीत दर्ज की। बिलसी विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव रहा है, लेकिन 2017 के चुनाव में यहां से बीजेपी के राधा कृष्ण शर्मा ने बसपा के सीटिंग विधायक मुर्शद अली बिट्टन को 26,979 वोटों से शिकस्त दी। वहीं समाजवादी पार्टी इस सीट पर तीसरे स्थान पर रही। 1967 में परिसीमन आदेश पारित होने के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 1974 में हुआ। इस चुनाव में भारतीय जनसंघ के सोहन लाल कांग्रेस के केशव राम को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद चुनाव में ज्यादा बार बसपा ने जीत दर्ज की। बिलसी विधानसभा सीट पहली बार उस समय चर्चा में आई थी जब 1996 में बसपा मुखिया मायावती यहां से चुनाव लड़ने पहुंची थी। इस चुनाव में मायावती ने भाजपा के योगेंद्र कुमार सागर को 2,215 वोटों से मात दी थी। हालांकि जीतने के बाद उन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया। राजनीतिक इतिहास की बात करें तो वर्ष 1974 में सोहन लाल बीजेएस से जीते थे। वर्ष 1977 में सोनपाल जनता पार्टी से जीते थे। वर्ष 1980 में केशव राम कांग्रेस से जीते थे। वर्ष 1985 में भोला शंकर मौर्य कांग्रेस से जीते थे। वर्ष 1979 में दौलत राम जनता पार्टी से जीते थे। वर्ष 1991 में भोला शंकर मौर्य कांग्रेस से जीते थे। वर्ष 1993 में योगेंद्र कुमार सागर बीजेपी से जीते थे। वर्ष 1996 में मायावती बसपा से जीती थी। वर्ष 1997 में भोला शंकर मौर्य बसपा से जीते थे। वर्ष 2002 में आशुतोष मौर्य सपा से जीते थे। तो वहीं वर्ष 2007 में योगेंद्र सागर फिर से बसपा से जीते थे। वर्ष 2012 में मुर्शद अली बिट्टन बसपा से जीते थे। और फिर वर्ष 2017 में राधा कृष्ण शर्मा बीजेपी से जीते। 2017 में बिलसी में कुल 41.87% वोट पड़े। 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो हरीश साक्य बीजेपी से, चंद्र प्रकाश मौर्य एमडी से और श्रीमती ममता साक्य बसपा से मैदान में रहेंगे। अब बात करते हैं शेखपुर विधानसभा सीट की। इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 2012 में हुआ था। 2008 में इस विधानसभा क्षेत्र का गठन किया गया था। 2012 के चुनाव में यहां से सपा के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री बनवारी सिंह यादव के पुत्र आशीष यादव ने सपा के टिकट पर ताल ठोका। इस चुनाव में आशीष यादव ने 68,533 मत प्राप्त कर कांग्रेस के भगवान सिंह साक्य को 8,252 मत हरा दिया और विधायक बने। भगवान सिंह साक्य को इस चुनाव में
60,281 वोट मिले थे। 2014 में चली मोदी लहर का इस सीट पर भी प्रभाव पड़ा। कभी नंबर 6 पर रहने वाली भाजपा 2017 के चुनाव में नंबर 1 पर पहुंच गई और सीट पर कब्जा कर लिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में कुल 39.72% वोट पड़े थे। भाजपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र सिंह साक्य ने 93,702 वोट पाकर सपा के आशीष यादव को 23,386 वोट के भारी अंतर से हरा दिया। आशीष यादव के इस चुनाव में 70,316 वोट मिले थे। 2022 के चुनाव की बात करें तो शेखपुर विधानसभा सीट पर लड़ाई दिलचस्प होगी। इस बार यहां से भाजपा और सपा में सीधी लड़ाई देखने को मिलेगी। इस बार धर्मेंद्र साक्य बीजेपी से मैदान में है तो वहीं सपा से हिमांशु यादव और मुस्लिम खान बीएसपी से मैदान में रहेंगे। अब बात करते हैं दातागंज विधानसभा क्षेत्र की। बदायूं जिले का एक हिस्सा है और आंवला के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 1957 में हुआ था। दातागंज के मतदाता ने 1991 के बाद से हर उम्मीदवार को दोबारा जिताकर विधानसभा जरूर भेजा है। यहां जनता ने इसको अपने क्षेत्र के विकास का हथियार बनाया है। इस सीट पर 1996 के बाद 2017 में कमल खिला और भाजपा के राजीव कुमार सिंह विधानसभा पहुंचे। इस चुनाव में भाजपा को 79,110 वोट मिले थे। बसपा के सिनोद कुमार साक्य को 53,351 वोट मिले थे। अब देखना यह है कि क्या जनता इनको भी दोबारा मौका देगी या नहीं। राजनीतिक इतिहास की बात करें तो वर्ष 1957 में हरीश चंद्र सिंह कांग्रेस से जीते थे, वर्ष 1962 में नारायण सिंह जेएस से, वर्ष 1967 में हरीश चंद्र सिंह निर्दलीय, वर्ष 1969 में त्रिवेणी सिंह कांग्रेस से जीते थे, वर्ष 1972 में संतोष कुमारी सिंह कांग्रेस से जीते थे, वर्ष 1974 में संतोष कुमारी सिंह फिर कांग्रेस से जीते, वर्ष 1977 में अवनीश कुमार सिंह जेएनपी से जीते थे, 1980 में फिर संतोष कुमारी सिंह कांग्रेस से जीती, 1985 में अवनीश कुमार सिंह बीजेपी से, 1979 में संतोष कुमारी सिंह कांग्रेस से, 1991 में अवनीश कुमार सिंह भाजपा से, फिर 1993 में अवनीश कुमार सिंह भाजपा से, 1996 में प्रेमपाल सिंह यादव सपा से, 2002 में प्रेमपाल सिंह यादव फिर सपा से, 2007 में सिनोद कुमार साक्य बसपा से, 2012 में सिनोद कुमार साक्य फिर बसपा से जीत गए। 2017 की बात करें तो राजीव कुमार सिंह भाजपा से जीते थे। 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो राजीव सिंह फिर भाजपा से मैदान में हैं। उनके टक्कर में अर्जुन सिंह सपा से मैदान में, बसपा से मैदान में रहेंगे। अब बात करते हैं बदायूं सदर विधानसभा सीट की। सदर विधानसभा सीट पर रोमांचक मुकाबले के आसार बन गए हैं। चुनाव का रुख काफी हद तक 1,00,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटरों के झुकाव पर निर्भर करेगा। उनके बटने पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन सकती है, वरना आमने सामने की जबरदस्त टक्कर के आसार हैं। दो पार्टियों के बागियों की सक्रियता चुनावी समीकरण बनाने और बिगाड़ने का काम करेगी। भाजपा के शीर्ष नेता जिले में आकर ध्रुवीकरण को धार देने वाले तीखे बयान दे भी चुके हैं। वर्ष 2012 के चुनाव के बदले हुए भौगोलिक परिदृश्य में चुनाव हो रहा है। दरअसल 2012 में बीनावार विधानसभा को खत्म कर उसका करीब 80% हिस्सा बदायूं और शेखुपुर में शामिल कर दिया गया। बीनावार कस्बा समेत कई गांव सदर सीट में है। पहले उजहानी व कछला सदर सीट में शामिल थे, अब वह बिलसी सीट का हिस्सा है। वहीं वजीरगंज क्षेत्र अब सदर में शामिल हो गया। 2017 में बदायूं में कुल 41.04% वोट पड़े। सपा के आबिद रजा खान वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने 70,847 वोट पाए, जो कुल मतों की 33.30% था। वहीं सपा के भूपेंद्र सिंह वर्ष 2017 में तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें 32,461 वोट मिले, जो कि कुल मतों का 15.34% था। यह सीट इससे पहले वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा के खाते में गई थी। अगर प्रमुख मुद्दे की बात करें तो शहर में टूटी सड़कें, चौक नालों की वजह से जल भराव, शहर में पार्किंग की समस्या, जाम का जाम, शहर में घूमते छुट्टा पशु, देहात में फसलों की बर्बादी, इंजीनियरिंग कॉलेज ना होना, मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं की कमी, बदायूं सदर का जातिगत आंकड़ा जानिए। अब बात करते हैं बदायूं सदर सीट के जातिगत आंकड़ों की। यहाँ पे कुल मतदाता 3,75,370 हैं, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 1,93,514 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,81,856 है। अब बात करते हैं जाति के आधार पर मतदाताओं की संख्या। यहाँ दलित मतदाताओं की संख्या 70,000 है,
तो वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1,10,000, यादव मतदाताओं की संख्या 15,000, क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या 17,000, वैश्य 35,000, साहू 15,000, ब्राह्मण 15,000, मौर्य शाक्य 35,000, कुर्मी 20,000, कश्यप 16,000, अन्य 27,000। इसी के साथ हम लेते हैं विराम, फिर मिलेंगे संदीप का समीकरण में किसी खास रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।